वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू पोषकराज रमेश सावंत, सूरज प्रसाद एंड हर्ष अजय सिंह फॉर सपोर्टिंग अस, और हमारे सभी चैनल मेंबर्स और पेट्रियन मेंबर्स को भी दिल से शुक्रिया इस जर्नी में हमारे साथ देने के लिए। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के और एक अपडेट पे आपका स्वागत है। बेंगलुरु से चेन्नई तक इस 262 किलोमीटर चार लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण अलग अलग पैकेजेस में हो रही है, जहां लास्ट अपडेट में हमने पैकेज वन का अपडेट देखा था। बेंगलुरु के होसकोटे से मालूर तक जो करीब 26.4 किलोमीटर लंबी है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकेज दो का अपडेट जो करीब 27 किलोमीटर लंबी है, और पर्टिकुलरली हम मालूर से बेतमंगल तक की अपडेट देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी इस छोटे से स्टेप से हमें काफ़ी हेल्प होती है, और आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि देश भर में होते हुए अलग अलग स्टेट्स की अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। मालूर से बेतामंगल तक के इस 27.1 किलोमीटर में निर्माण का काम कर रही है दिलीप बिल्डकॉन, जहां पे शुरू के कुछ पैचेस देखकर लग रहा है कि ये पैकेज भी पूरा ही बनकर तैयार है। लेकिन आने पूरे गांव के पास थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम अभी भी बाकी है। फिर कुंतलहल्ली गांव के पास ये पब्लिक ओवरपास बनकर तैयार हो चुका है, हालांकि नीचे में रोड पे आपको रोड लिंक का काम अभी भी चलते हुए दिखेगा। जहां पे आगे में भी रोड के ऊपर लैंडमार्किंग का काम अभी बाकी है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ही आपको वापस से रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर कोपानाहल्ली गांव के पास एक्सप्रेसवे क्रॉस करती है बंकरपेट रोड और इस रेलवे लाइन को, जहां पे रेल ओवर ब्रिज का भी काम कंप्लीट हो चुका है। आगे वापस से एज यूजुअल रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा। फिर बैतरण हल्ली के पास यहाँ पे वेस्ट साइड एमिनिटीज का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे आपको कुछ कुछ बिल्डिंग्स का काम चलते हुए दिखेगा। इसके बाद से रोड का निर्माण पूरा ही कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत लेन मार्किंग का काम अभी बाकी है। और करबनहल्ली के पास इस लंबी सी ब्रिज का भी निर्माण हो चुका है, जिसके बाद आपको रोड का काम वापस से कंप्लीट होते हुए दिखेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस चार लेन की हाईवे को फ्यूचर में आठ लेन तक भी वाइडनिंग करा जा सकता है।
आगे में और 1.5 किलोमीटर जाने के बाद आती है KGF इंटरचेंज। और ये इंटरचेंज भी बनकर पूरा ही तैयार है, जहां आपको लूप का भी पूरा काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा, साथ ही साथ लैंडमार्किंग भी हो चुका है। और इस दिशा में ये रुक जाती है कोलार गोल्डफील्ड की तरफ। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको वापस से रोड का निर्माण कंप्लीट होते हुए दिखेगा। और यहीं पे किलोमीटर 53+500 पे एंड होती है पैकेज 2 का। आगे शुरू होती है पैकेज 3, जो देखकर लग रहा है कि वहां पे भी रोड बनकर तैयार है, लेकिन उसका अपडेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल पैकेज 2 की प्रोग्रेस को समराइज करें तो इस 27.1 किलोमीटर की सेक्शन में मेजर कुछ भी काम बचा नहीं है मेन रोड का। हाँ, थोड़ा बहुत लेन मार्किंग का काम बाकी है जो कि ऑलरेडी चालू है। अगर मेजर काम बाकी है तो वो है वेस्ट साइड एमिनिटीज में। तो मेरे हिसाब से दिलीप बिल्डकॉन ने ना केवल पैकेज 2 बल्कि पैकेज 1 मिलाकर टोटल 53.5 किलोमीटर में काफी तेजी के साथ काम करा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।